जितने भी शक्ति होते हैं सभी करगम के साथ चलते हैं, लेकिन जैसे ही फाटक पर आते हैं सभी वहीं पर रुक जाते हैं। और जब करगम को अंदर हम लेकर आ जाते हैं, सभी जितने भी अनेक शक्ति है, जो देवी है, जितने भी भूत पिशाच है, सभी वहीं पर ठहर जाते हैं। क्यों ऐसा होता है आप अभी समझ जाओगे। रमेश रेंटल के जो डायरेक्टर है, साथ में मस्त डीजे एंड साउंड सिस्टम हायरिंग, इनका जो डायरेक्टर है बैठे हुए हैं यहाँ पर, जो साउंड सिस्टम है इनका सूफा और लंबासा में ब्रांच है, और जितने भी लोग हैं यहाँ पर अगर साउंड सिस्टम की तलाश है तो याद रहे जो प्रोफेशनल साउंड सिस्टम मस्त डीजे और साउंड सिस्टम हायरिंग पर आप भैया जी को यहाँ पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। और साथ में रमेश रेंटल का जो डायरेक्टर है, आज एक बात और ऐलान किया है यहाँ पर, बतलाया है जो माता मारी का वेश धारण किया हुआ है श्रीमान बिज्जू, बहुत ही सुंदर से प्रकार से अपना जो किरदार को उन्होंने यहाँ पर आज निभा रहे हैं। और ऐसा आज मेरे ख्याल से दो रेंटल वेस्टर्न को जाएगा, पहला श्री वल्ली को दिया गया है, दूसरा रेंटल फ्री में बिज्जू को दिया गया है। और पैपा जो डॉक्यूमेंट का जो कार्य रहेगा वो सुबह के वक्त किया जाएगा, तो दो रेंटल बतलाया गया है कि वेस्टर्न को सुबह सुबह जाएगा। ठीक है, ऐसा बतलाते हुए आज बिज्जू को $20 फ्यूल भरने का भी पैसा आज यहाँ पर दिया गया है, जो रेंटल सुबह वेस्टर्न को जाएगा। ठीक है भैया, जोरदार तालियां होनी चाहिए।
कोई बारिश से नहीं हुआ माँ, गंगा को बुला दिया। बहुत सच्ची बात करना, पानी से होकर नवा देना, मुंह जरे मेरे पास समय बस कम है, जो भी कह जाए हाथी से हाथी। क्या बात है, कुत्ता पार के देख के भूखने से हिल नहीं जाता। तुम समझो, देखो माता पास इतना शक्ति, तुम्हारे बाहर आएंगे उसको तुम भूल गए। अब हम बांधे जिला बाहर। हाँ क्या इनको पता नहीं है? पता नहीं है, देवी गंगा के बिना संसार में कोई भी कार्य पूर्ण नहीं है मेरे माधवनी नलवीन का। हर एक पूजन में वो बोलो मैं होता हूँ मेरे माधव जी, इनका पूजा में भी मेरा इस्तेमाल किया जाता है। ये क्या बात कर रहे हैं मेरे माधव जी? इधर क्या कहीं मुंह बचे संजा से अभी ले बड़ा मुंह देखो कैसे ताके। इतना शक्ति है पारी काली गंगे ने तो अपना पूजन हम हमारे साथ माता गंगा अपने आपको जितनी शुद्ध समझती है उतनी है नहीं। हमने सौसा पुत्र को पानी में बहा दिया और हमारे सामने बिल्कुल चक्कर के चटा में करो
तुम कैसे करता हो बात? ये पागल हो गई है गंगा, तुम पागल ही हो गया। मैंने बांध तोड़ दिया। तुम कैसे लगता हो घर बिगाड़े दूसरे अपने घर? अब सुनो मेरी बात को, बोल। तुम ये पूजन का आयोजित किया तो मेरी सगाई कल रात्रि और मैश्वरी ने उस पूजन में तो मेरी सोने की के लिए यहाँ पर आई, परंतु उनको सर लेकर बेइज्जत किया गया। इसीलिए ये देवी क्रोध में आई है। देवी, क्या तुम जानते हो ये तो काली मारी गंगे का दुर्गम है, सवास माते। बताओ, ओए तुम बताओ उत्तर दो इसका। तुम्हारा घर का मैं तुम बताओ, ओए तुम बकबक करता है। लाटों के भूत बातों से ये माते माते रास्तों का कर दिखाओ। ये देवी भी अच्छी का मिला और इधर ला दे पारा भैया ने इनका। लोग कहते हैं कि माता महेश्वरी, माता कालरात्रि, माता कटेरी का इस पूजन से कोई वास्ता नहीं है। ये वास्ता कैसे है? और माता कालरात्रि, माता कटेरी और माता महेश्वरी इस पूजन में कैसे सम्मिलित होते हैं? अभी स्वयं माता गंगा यहाँ पर बतलाएगी और हम आपको समझाएंगे कि माता गंगा जो है क्या यहाँ पर बखान करने जा रही है। हे देवियों, उस कलश पर जिससे देवी काली मारी और गंगे का गर्गम बनता है, उसमें भी तुम्हारे नाम का जो वस्तु है उसमें भी छोड़ा जाता है। देवी सच बात यानी कि माता गंगा यहाँ पर बतलाती है, पूजन चाहे कोई भी हो, मैं हर एक पूजन में रहता हूं। आज यहां पर जो सरगम पूजन है इनके साथ में मैं हूं और आपका पूजन में भी मैं साथ देती हूं। मैं कोई अलग नहीं हूं और हर एक पूजन में साथ हमेशा मैंने दिया। और आज जो तुम तीन यहां पर इस पूजन को रोक रहे हो और यहां पर पूछ रहे हो कि क्यों नहीं जो हमारे नाम से करगम को यहाँ पर जोड़ा गया है, क्यों नहीं कोई हमारे नाम का करगम पूजन करते हैं? आज जो हकीकत है हम आपको बतलाते हैं कैसे माता महेश्वरी, माता कालरात्रि, माता कटेरी
इस करगम पूजन में कैसे सम्मिलित है, शायद कई लोग हैं नहीं जानते हैं, लेकिन इस मंदिर के पुजारी जो है और जितने भी बड़े विद्वान हैं, ये सभी लोग जानते हैं, और जो लोग नहीं जानते हम आपको बतलाना उचित समझता हूं, क्योंकि ये जो करगम पूजन है यूं ही नहीं हम करते हैं। हमारा सलीना जो वार्षिक पूजन होता है बड़ी धूमधाम से होता है, सभी देवी देवता को निमंत्रण दिया जाता है इस पूजन में सम्मिलित होने के लिए। उसी प्रकार माता महेश्वरी, माता कालरात्रि, माता कटेरी इस करगम में भी सम्मिलित है। जब करगम को कावेरी नदी के किनारे जोड़ा गया था तो वहां पर उस कलश के अंदर के ऐसे सामान को छोड़ा गया, तब जाकर करगम को जोड़ा गया है। और उस कलश के अंदर कई प्रकार की चीजें होता है, हम आपको आज बतलाना चाहते हैं, जो लोग शायद नदी के किनारे नहीं जा पाते हैं और करगम कैसे जोड़ा जाता है आपने नहीं देखा है ना सुना है, तो आज हम आपको बतलाते हैं। ये जो यहाँ पर जो करगम को आप लोगों के समक्ष रखा गया है, बहुत ही सुंदर तरह से करगम को जोड़कर हम लेकर आते हैं, पूजन करते हैं और मंदिर तक लेकर आते हैं। इस करगम के जो कलश है, कलश के अंदर कई ऐसे चीजें होता है जो हम आपके बतलाना चाहते हैं और आपको समझाना चाहते हैं, लेकिन उसके लिए आपको थोड़ी देर इंतजार करना होगा। हम जानते हैं सभी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि क्या है, तो सुनिएगा देखिएगा, हम आपको समझाएंगे, हम आपको बतलाएंगे। हे देवी गंगा, बोलो देवी, क्या देवी मानने वाली नहीं, क्योंकि जब हमें निमंत्रण दिया गया और मेरी संगई आई तो सिर्फ तुम तीनों की गर्गम बनी हुई थी, और मेरी संगई जब पूजन में सम्मिलित होना चाहिए तो उन्हें बाहर ही रोक दिया गया और बेइज्जत किया गया, इसीलिए मैंने ये बांध बांधी है। अब हमारी पूजन पहले होगी तभी जाकर मैं ये बांध पाऊंगी और तुम तीनों की पूजन होगी। Mariamma, 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 Mariamma,
सुबह का बेला है बाते असल देगा हमारे देश में आ जाए। हाँ मैं भी बात होगा।
कौन सी? कौन के बगल से? किसके बगल से? सागर के बगल से। हाँ। बोले एक गीत गाए दो भाई। हाँ। बोले बोले तुम संजय गाए रहा। हाँ। अभी फिर से गाए दो, हमें बहुत याद आए हमारी जान की। कौन गाना? कौन गाना? तुम बताओ दीदी। अरे संजय अभी तक तुम बताने कितना तो को तेरी मुझे के, यानी कि भैया दीपक जो सुबह निवासी है, पास्टर महाराज जो हमारे नाटक टीम को देखते हैं शाम से बैठकर बतलाते हैं, नवोना का काफी ज्यादा डाउट भी हो गया है लेकिन फिर भी बैठे हुए और जो नाटक इसे देखते हुए पास्टर पर हमारे नाटक टीम को $10 नगद दान पहुंचाते हैं। दीपक के लिए जोरदार तालियां हो जाए। और साथ में एक बार फिर फिजी कावाली गैंग जो है, फिजी कवाली गैंग यानी कि भैया मुन्ना भाई और साथ में रमेश रेंटल के जो डायरेक्टर है भैया रमेश, आज यहाँ पर किनको देखता है? जो श्रीवली जो माता का वेश धारण किया हुआ है देखते हैं और बतलाते हैं कि शायद काफी थक चुकी है तो आपको रेंटल सुबह नहीं देगी लेकिन आपको जरूर ये लोग लेकर जाएंगे छोड़ने के लिए और $20 आपको पॉकेट मनी आशीर्वाद के रूप में दिया हुआ है। हम चाहेंगे फिजी कवाली गैंग के लिए जोरदार तालियां हो जाए। राजीव से निवेदन किया गया है कि आप आ जाए यहाँ पर। ओए कवाली बॉयज कैसे आएगा ना जल्दी से कहा
चाहती हूँ। Thank you.
Thank you.
चूल्हे कैसे करता, करने लाता तो कुछ सारा भी नहीं, खाली बात तुम लोग तीनों बड़ा मुंह पकड़ो छोड़ी सारू और तुम्हारे वाला बैठो सारू समय यात्रा करती है और आपकी चरणों में दंडवत प्रणाम करती है माता, क्योंकि अहंकार के मदहोश में आकर हमने ये नहीं देखा कि दोनों से उस पार कौन हमारे सामने खड़ी है। हे माता, अपनी इस पुत्री की छोटी सी भूल को समा कर और पुत्री को अपनी कीजिए माता। हे बेटी, यह देवी तुम्हें माफ करती है क्योंकि इस देवी में दया भी है और मुझे यह खुशी हुई कि तुम्हें अपनी भूल का एहसास हो गया। देवी सच बात यानी कि जब माता महेश्वरी माता कालरात्रि माता कटेरी यहाँ पर जो अगोर रूप लेकर आई इस मड़ियाल देश की जो रानी है मड़ियाल कन्नी इतने ज्यादा अगोर रूप लेकर क्यों आन पड़ी, क्योंकि जो पूजन उन्होंने आयोजित किया था वो पूजन रुक गया और उस देश का जो संचालक मड़ियाल कन्नी जो है अपना अघोर रूप लेकर यहाँ पर आई और अपने माता को यही आश्वासन दिया चाहे कुछ हो जाए पूजन तो होकर ही रहेगा। और यहाँ पर जो करगम है, जैसे कि हमने बतलाया था आपको कि उस करगम के विषय में बतलाएंगे कि उस करगम में क्या क्या है, जो माता महेश्वरी माता कालरात्रि माता कटेरी बराबर के सम्मिलित है इस करगम में। और जैसे कि इस करगम में यानी कि जो कलश आप देखते हैं इस करगम के जोड़ा गया है, कलश के अंदर सिर्फ कलश और वो पत्ती आप देख रहे हैं जो सुंदर से सजा गया, ऐसा कुछ भी नहीं है। पहले तो उस कलश के अंदर काफी चीजें जो है ये छोड़ा जाता है, जो है हल्दी विभूति सिंदूर दूध दही मध चंदन पान सुपारी नींबू बिसाना जिसे हम दक्षिणा कहते हैं और जो कोमियम गंगा जल और साथ में नीम का पत्ता और नारियल इस्तेमाल कर किया जाता है। और सबसे खास जो होता है माता महेश्वरी माता कालरात्रि और माता कटेरी के नाम से उसके अंदर जो छोड़ा जाता है उसका नाम तो मैं नहीं लूंगा, क्योंकि ये जो करगम जब बनता है जो मुख्य भुजाली होता है वही इस करगम में बहुत ही विधि अनुसार मंत्र द्वारा जो इन तीनों के नाम से एक ऐसा वस्तु उसके अंदर डालते हैं जो माता कटेरी माता कालरात्रि माता महेश्वरी इस करगम पूजन यानी कि माता गंगा माता मारी माता काली के साथ में सम्मिलित हो जाता है, तभी जाकर जो करगम है ये यहाँ पर मंदिर लाया जाता है और घर घर घुमाया जाता है ताकि जितने भी दुखित पीड़ित बीमार जो घर पर हो जो इस मंदिर में नहीं आ सकते जो पूजन नहीं दे सकते हैं आपके घर पर आते हैं आप पूजन देते हैं, ताकि जो भी आपके घर में जो भी दलिद्रता हो जो भी दुख तकलीफ हो वो सभी ये जो तीन देवी है माता मारी बहुत ही दयालु देवी है माता काली माता गंगे स्वयं आपसे दूर कर देती है जितने भी तकलीफ हो अगर आप सच्चे मन से सच्चे भक्ति भाव करते हो तब। आगे क्या होता है ये जो इस देश की रानी है यानी कि मड़ियाल देश की जो रानी वो आपको बतलाएगी कि क्या होता है। तो मड़ियाल कन्नी ये देवी तुम्हें माफ करती है और ये विश्वास करती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता होगा कि अब यहाँ से आगे तुम्हें क्या करना है, इसीलिए मैं अब अपना बाल माता आपके आशीर्वाद के लिए और हमको क्षमा देने के लिए कोटि कोटि धन्यवाद। हे माता, ये मर्याद करने आश्वासन देती है कि जब कभी भी मर्याद देश में पूजन होता है कोई किसी भी देवी से भेदभाव नहीं होता, सभी देवियों को सम्मिलित रूप से उसके अनुकूल उनका पूजन किया जाता है। हे माता,
ये मेरी अंकनी है आपको बताती है कि आपको गलत संदेशा दिया गया था, क्योंकि जो करगम का पूजन हमने आयोजन किया था मदिरा सोर और विज्ञानी सुर को हमने ये बता कर भेजा था कि जाकर उन सभी देवियों को आमंत्रित करो जो इस करगम पूजन में और अनेक पूजन में सम्मिलित होती है जो मरियाल देश में होता है। हे माता, हमारे हाथ में ये जो त्रिशूल है ये स्वयं आप सभी पहचानते हैं किसका त्रिशूल है। ये वही त्रिशूल है जो देवों के देव महादेव ने स्वयं श्री अनरापन को दिया था, जिन्होंने हमें देकर ये आपको बताने की जैसा कि हम जो कहते हैं वो सत्य है और आप सभी का पूजन मरियाल देश में भलीभांति होता है। हे माता, आप उस समय को याद करो जब देवी सती के रूप में आपसे अपना जो देह है उसे दक्ष की जो यज्ञ है उसे हस्त कर दिया था, उसी शरीर को लेकर जो श्री प्रभु ने दुनिया भर में भ्रमण किया और जिस जिस स्थान पर आपका शरीर का भाग गिरा वहाँ पर अनेक शक्तिपीठ हुई, उसी शक्तिपीठ जो कई शक्तियाँ जंगल में भी उपस्थित हुई और वहाँ आप सभी विराजमान रही, जबकि वहाँ कोई पूजन करने को नहीं था तो देव के देव महादेव ने जड़ का रूप धारण कर आज सभी को शमशान से भोजन ला कर दिया। इसी तरह जब भी गुरुदेव के पास करगम आता है वहाँ आप लोगों के प्रति नजर उतारा जाता है और अलग दिया जाता है। इसी तरह जब जब भी जितनी भी प्रकार की वस्तु और जितनी भी मत में आप सभी के नाम से दिया जाएगा वही आप सभी के लिए भोजन होगा। हे माता, हमें यह आशीर्वाद दीजिए कि जो करगम का पूजन हमें इस गलत बातों से रुक गया था उसको हम कोई आरंभ कर पूरा करें। हमें आशीर्वाद दीजिए। सच बात है बेटी, तुम्हारी हर एक बात सत्य वचन है और हम तक गलत सूचना पहुंचने के कारण से आज इतनी बड़ी लड़ाई हो गई और अब ये देवी तुम्हें ये आशीर्वाद देती है और आज्ञा देती है कि अब तुम अपनी कुल देवियों की पूजन को कर सकती हो। सीता प्रिय बंधुगण, यहाँ पर हमारा जो कथा है ये समाप्त हो जाता है और खासतौर पर उद्वई यंग बॉयज तिरुकुत्तु ग्रुप जो है अपने पूरे नाटकम को यहाँ पर लेकर आए बुद्धि साउथ रोड नासोरी में। खासतौर पर कमेटी को हम धन्यवाद देते हैं, फिजी कवाली गेंद को हम धन्यवाद देते हैं, जितने भी सदस्य जितने भी लोग बैठे सभी को धन्यवाद देते हैं और उद्वई यंग बॉयज तिरुकुत्तु ग्रुप आज यहाँ पर स्वर्ग कविश मणि सुबह निवासी भूतपूर्व उद्वई निवासी हमारे गुरुजी का जो वन एंड ओनली बहुत ही प्यारा बेटा था जो आज हमारे साथ नहीं है इस दुनिया से चले गए हैं, उनकी याद में यानी कि जिसे सोनू के नाम से जाना जाता था उनकी याद में इस नाटक टीम को यहाँ पर आज लाया गया है आप सभी के लिए बहुत ही सुंदर कथा को लेकर हम आए। वैसे वो जीवित होते तो जरूर इस अखाड़े में आज आप उनको देखते, लेकिन आज उनकी याद में यहाँ पर ये जो नाटक टीम है लेकर आया गया है और खास पर विशेष रूप से हम धन्यवाद देते हैं पूनम राज को। पूनम राज को हम देते हैं धन्यवाद क्योंकि आज का जो रात्रि का यहाँ पर जो हमारे नाटक टीम आया है उनके लिए जो दो दर्जन जो आक्वा सेफ जो पानी है ये हमें यहाँ पर पहुंचाया है। हम चाहेंगे सभी जितने भी शाम से लेकर अभी तक जितने भी दान दाता है सभी के लिए जोरदार तालियां हो जाए। धन्यवाद, नमस्कार। सबको तो पानी नहीं दिया
Thank you.